तो दोस्तों राम मंदिर 500 सालों के बाद बनकर तैयार है। 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए हर हिंदू बेसब्री से इंतजार कर रहा है। पर क्या आपको राम मंदिर के इतिहास यानी कि उसकी हिस्ट्री के बारे में पता है कि राम मंदिर को बनाने में कितने संघर्ष हुए और राम मंदिर को बनाने में कुछ लोगों ने कितनी बड़ी बड़ी कीमतें चुकाई हैं? और दोस्तों ये क्लेवर की पहली लॉन्ग फॉर्म वीडियो है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ये कहानी शुरू होती है आज से 496 साल पहले, साल 1528 में, जब मुगलों ने राम जन्म भूमि पर बने तत्कालीन राम मंदिर को गिराकर वहां पर बाबरी मस्जिद का कंस्ट्रक्शन करा दिया। आने वाले 250 सालों तक ये सब कुछ शांत रहा, कोई भी हिंदू इसका विरोध नहीं कर पाया। मुगलों के अत्याचारों से सभी हिंदुओं को दबा कर रखा गया और कोई भी इस बारे में कोई भी सवाल नहीं उठा पाया, कोई भी उनसे कुछ बोल नहीं पाया। पर आने वाले 250 साल तक एकदम शांत भले रहा, पर धीरे धीरे अंदर ही अंदर घुटन सबके अंदर बढ़ रही थी। साल 1767 में बाबरी मस्जिद के पहले डॉक्यूमेंटेड प्रूफ्स डेस्क्रिप्टो इंडे नाम की एक बुक में मिलते हैं। साल 1853 में पहली बार रिलीजियस वायलेंस इस केस में देखने को मिली और पहली बार हिंदू और मुस्लिमों के बीच में झड़प हुई इस बात को लेकर। अंग्रेजों के राज में बहुत से केसेस हुए राम मंदिर के डेमोलिशन को लेकर और बहुत बार ब्रिटिश गवर्नमेंट से इस बारे में अपील भी की गई, पर ब्रिटिश ने कभी भी इस अपील पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया और हर बार इस अपील को वो ठुकराते रहे। साल 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश ने इस बारे में एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया और राम जन्मभूमि के पास सभी हिंदू रिचुअल्स पर बैन लगा दिया गया। ये फैसला इतना बड़ा था कि उस समय की कोई करेक्ट प्रूफ्स नहीं है, पर ये माना जाता है कि इतने बड़े दंगे हुए थे कि जिसमें 4,000 से 5,000 लोगों की मौत हुई थी। पर अभी तक राम मंदिर कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं बना था, ये कोई छोटा सा रिलीजियस अपने आप में टॉपिक था। पर असली विवाद शुरू हुआ 23 दिसंबर 1949 को, जब भगवान राम की मूर्ति मस्जिद में पाई गई और हिंदुओं के हिसाब से वो मूर्ति वहां प्रकट हुई थी। पर मुसलमान इस बात को मानने को तैयार नहीं थे। उनका कहना था कि कोई आकर रात में चुपके से उस मूर्ति को मस्जिद में रख गया है। डीएम के नायर ने दंगे होने के डर की वजह से उन मूर्तियों को वहां से हटाने से मना कर दिया, जबकि सरकार का ऑर्डर था कि वहां से उन्हें हटा लिया जाए। पर के नायर ने बोला कि बहुत ज्यादा खतरा है रिलीजियस राइट्स होने का, तो इसलिए उन्होंने वहां से उसे नहीं हटाया और मस्जिद को एक विवादित ढांचा मानकर वहां पर ताला लगा दिया गया। अब ना वहां पे कोई मुस्लिम जा सकता था ना कोई हिंदू। पर धीरे धीरे आने वाले सालों में मस्जिद को हटाकर मंदिर बनाने के बहुत से केसेस कई कोर्ट्स में दायर किए गए और धीरे धीरे उन सब पे कुछ ना कुछ बात चल रही थी, पर कोई सही फैसला नहीं आ रहा था। कोर्ट की चुप्पी से हिंदू और मुस्लिम के बीच धीरे धीरे टेंशन बढ़ती रही। पर 6 दिसंबर 1992 को वो हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। विश्व हिंदू परिषद और शिवसेना समेत कई दूसरे हिंदू संगठनों के लाखों कार्यकर्ताओं ने विवादित ढांचे को गिरा दिया। सब लोगों ने सुबह के टाइम मिलकर उस विवादित बाबरी मस्जिद को उसके जड़ से ही गिरा दिया। देश भर में कई सांप्रदायिक दंगे भड़क गए और एक ही दिन के अंदर 2000 से ज्यादा लोग मारे गए। बाबरी मस्जिद के गिरने के बाद हिंदू और मुस्लिम के बीच छोटी छोटी झड़प होती रही और साल 2002 में एक बहुत ही बड़ी बात हुई। साल 2002 में हिंदू कार्यकर्ताओं को अयोध्या से भुज लेकर जाने वाली एक ट्रेन में मुस्लिमों ने गोधरा के पास आग लगा दी, जिसमें 58 हिंदुओं की मौत हो गई। इसकी वजह से एंटी मुस्लिम राइट्स पूरे गुजरात में फैल गए, जिसमें 2500 से भी ज्यादा मुस्लिमों की जान चली गई। इसमें कुछ हिंदू भी शामिल थे, पर मरने वालों में ज्यादा संख्या मुस्लिमों की ही थी। और एक बहुत ही बड़ा मोड़ था इस केस को लेकर, क्योंकि अभी तक जो सारा का सारा केस ग्राउंड पे लड़ा जा रहा था, इसलिए पूरा केस अभी कोर्ट्स में चला गया और धीरे धीरे इलाहाबाद हाई कोर्ट तक भी ये केस पहुंच गया। और साल 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पिछले सालों के सारे केसेस का फैसला किया और राम जन्मभूमि को सुन्नी वक्फ बोर्ड, रामलला विराजमान और निर्मोही अखाड़ा में 3 हिस्सों में बांटने को कहा और ये हिस्से बराबरी के होने चाहिए। पर ये फैसला किसी को भी मंजूर नहीं था, उन सभी को पूरी की पूरी जमीन अपने लिए चाहिए थी, वो बिल्कुल भी बांटने को तैयार नहीं थे। और फिर वही हुआ जो हर केस में होता है, इस केस की अपील सुप्रीम कोर्ट में की गई और इस अपील के बाद साल 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर स्टे ऑर्डर लगा दिया और ये कहा गया कि इस ऑर्डर को नहीं माना जाएगा। आने वाले टाइम में धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट चलता रहा, आगे बढ़ता रहा, पर कोई फैसला आते हुए दिख नहीं रहा था। फिर उन्होंने मार्च 2019 में एक मध्यस्थता कमेटी बनाई जिसमें 5 लोग शामिल थे और उन्हें कहा कि आप जाकर उन दोनों पक्षों के बीच में बैठिए, उनके साथ बात कीजिए कि कैसे इस बात को सॉल्व किया जा सकता है, पर उसका कोई भी फैसला नहीं निकला। मध्यस्थता कमेटी की रिपोर्ट के बाद अगस्त 2019 में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस रंजन गोगोई ने ये फैसला किया कि आने वाले 100 दिन तक लगातार वो इस केस को लेकर सुनवाई करेंगे और इसका फैसला निकालेंगे। धीरे धीरे सुनवाई चलती रही, हिंदू पक्ष अपना पक्ष रखता रहा, उसके बाद मुस्लिम पक्ष ने अपना पक्ष रखा और फिर 9 नवंबर 2019 को एक ऐतिहासिक दिन को आखिरकार जाकर 490 साल के इंतजार के बाद सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि की जमीन को हिंदू पक्ष को दे दिया और वर्षों का इंतजार पूरा हुआ। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मुस्लिमों के साथ अन्याय किया गया, यहाँ पे बराबर से फैसला लिया गया। यहाँ पे सरकार को ये आदेश दिया गया कि भले ही वो 5 एकड़ की राम जन्मभूमि की जमीन हिंदुओं को मिली, पर उन्हें साथ ही के साथ 5.5 एकड़ जमीन मुस्लिम पक्ष को भी अयोध्या के अंदर ही कहीं ना कहीं देनी होगी। तकरीबन 28 साल बाद 25 मार्च 2020 को रामलला को टेंट से निकाल
कर एक टेम्परेरी फाइबर के मंदिर में शिफ्ट किया गया और ये पहली बार था कि इतने सालों बाद रामलला टेंट से बाहर निकले हों। और 5 अगस्त 2020 को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम जन्मभूमि का भूमि पूजन करके मंदिर के कंस्ट्रक्शन को शुरू किया। और आज इतने सालों के इंतजार के बाद और इतने लोगों की वीरगति के बाद मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा सिर्फ कुछ ही दिन दूर रह गई है। और धीरे धीरे वो दिन जैसे जैसे 22 जनवरी पास आ रहा है, हर हिंदू की बेसब्री धीरे धीरे बढ़ रही है। ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलना।